हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग जैसे भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डॉक्टर गायचल में आपका स्वागत है। वेलकम टू डॉक्टर गायचल। दोस्तों, आज मैं मेडिसिन लेके आया हूँ इटोसाइन 90, जिसका कंपोजिशन है इटोरी कोसिब टेबलेट, इटोरी कोसिब टेबलेट। दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसका यूज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है और किस किस बीमारी में काम देगी और इसका MRP क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को निरंतर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक डॉक्टर का चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, या आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, बेल आइकन वीडियो सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से आपको ये लाभ होगा, जो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ या ऑनलाइन करूँ, आप लोगों तक पहुँच जाएगी बिना टाइम बिताते हुए। चलते दोस्तों, बिना टाइम बिताते हुए इसका MRP पहले देखते हैं। MRP जो है इसका 128 रुपया 50 पैसा है और एक्सपायरी डेट 2022 में है। इसका कलर देख लीजिए और गोटी ये टेबलेट की साइज देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका किस बीमारी में काम करेगा और क्या इसका यूज है और इसका साइड इफेक्ट क्या है और कैसे खाना है, वो भी बताता हूँ। इटोसाइन 90 mg का, जिसका कंपोजिशन है इटोरी इटोरी कोसिब। दोस्तों, इस किस किस बीमारी में काम देगी और किस किस कंडीशन में काम देगी, वो भी मैं चलते हैं आज बताता हूँ। दोस्तों, इटोसाइन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटियड यानी गठिया, एंकाइलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, गाउट, जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, ऑर्थोलिंजिया, माइलेंगिया यानी मांसपेशियों का दर्द, माइलेंजिया, माहवारी यानी कि मेंट्रक्शन के दौरान या बाद में दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था दोस्तों किस किस बीमारी में ये किस किस के लिए ये यूज किया जाता है। दोस्तों, इटोसाइन जो है कुछ इस तरह की बीमारी में भी यूज किया जाता है। दोस्तों, ये जो इटोसाइन जो है 90 mg का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास बीमारियों में ये काम किया जाता है। हर एक बीमारी में ये पेन किलर ही मेडिसिन है, लेकिन हर तरह का पेन किलर में ये काम नहीं करती है। ये सिर्फ तो मैं बताने जा रहा हूँ इस बीमारियों में काम देगी, अन्यथा अदरवाइज में न दे बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी। जैसे गांठ जिसे गठिया कहते हैं, और स्पाइंडलाइटिस, असिस्ट्रो आर्थराइटिस, रूमेटाइट आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गर्दन में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, इटीसी। दोस्तों, ये जो है बहुत ही ये है इट्रोक्सिब कुछ रसायनों की रिहाई को रोकता है, जो दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, इसका जो कुछ साइड इफेक्ट है, सिर दर्द, सीने में जलन, चक्कर आना, इटीसी, कब्ज। दोस्तों, ये मेडिसिन जो है 1 टेबलेट सुबह शाम खाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का मेडिसिन में मैंने जो बताया हूँ, ये पेन किलर है, लेकिन पेन किलर नॉर्मली पेन किलर नहीं है। जो पेन किलर है, जैसे हड्डियों और वगैरह में ज्वाइंट पेन वे होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों, आज का मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से वीडियो आप लोग देखे हैं, तो प्लीज़ चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर गाय चैनल ओर से सभी व्यूअर को थैंक यू।